Hello everyone, I'm your friend, your host Baadal Bhandaari, and I welcome you in your favorite YouTube channel, that is Dogs, Your Friends Forever. दोस्तों आज मेरे साथ में है बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा नटखट सा बच्चा और इस बच्चे का नाम है गोल्डन रिट्रीवर है ना. हम तो गोल्डन रिट्रीवर होते हैं. ओके बिल्कुल ओके. डियर फ्रेंड्स आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम के बारे में, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो हर किसी को फेस करना पड़ता है जो भी इंसान नया डॉग लेके आता है, और वो प्रॉब्लम है पपी बाइटिंग की. जो पपी बाइटिंग है ऑफकोर्स इसका ये तो हम सबको पता है कि पपी बाइटिंग हो रही है, इसका रीजन क्या है और इसका सलूशन क्या है, आज हम इन दोनों चीजों के बारे में बात करेंगे. हाँ अब भी बात करना, थोड़ी सी सुनेंगे आपकी भी बातें, ठीक बात है. डियर फ्रेंड्स पपी बाइटिंग का एक इंपॉर्टेंट रीजन है जो दांत निकलने डॉग के. जब दांत निकलना शुरू होते हैं तो उसके दांतों में इचिंग होती है, और वो इचिंग को हटाने के लिए कोई भी चीज़ को उठा के वो मुंह में डालते हैं, चाहे वो आपके जूते हों, चप्पल हो, चाहे फर्नीचर हो, चाहे पौधे हो, पेड़ पौधे हो, लॉन हो, घास हो, कुछ भी दांतों से उखाड़ देते हैं वो, बिकॉज उनके दांतों में खुजली हो रही होती है. सेम लाइक ह्यूमन बेबीज, जैसे छोटे बच्चों के दांत निकालना शुरू होते हैं ह्यूमंस में, तो वो कोई भी पेन मिल जाएगा वो भी मुंह में डालेंगे, मोबाइल भी मुंह में डालेंगे, चाबी भी मुंह में डालेंगे, रिमोट भी मुंह में डालेंगे. उसी तरह से डॉग के बेबी भी करते हैं. अब जब हमारे ह्यूमन बेबीज ऐसा करते हैं तो हम उसको उनको सोल्यूशन देते हैं उस चीज़ का, चाबी जैसे बने आते हैं, कुछ और रेटल्स जैसे आते हैं, जिन चीज़ों को वो बच्चे मुँह में डालते हैं उनको सूदिंग मिलती है. जब वो उसको च्यू करने की कोशिश करते हैं तो उससे उनके गम्स की मसाज होती है, जो उनके इचिंग हो रही है, क्योंकि दे डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस. एक छोटा बच्चा अपनी वर्ड्स एक्सप्रेस नहीं कर सकता, सेम डॉग्स जो हैं ये भी एक्सप्रेस नहीं कर सकते अपने वर्ड्स. इनके जो दांत हैं ये दूध के दांत अगेन टूटेंगे फाइव मंथ्स पे टूटना शुरू होंगे, सिक्स मंथ्स तक ऑलमोस्ट टूट जाते हैं, फिर इनके मोलर्स भी आएंगे, और टोटल 46 to 48 टीथ होते हैं डॉग्स के जो टोटल आएंगे. दांतों में खुजली हो रही है. दांतों में खुजली होने से होता क्या, सबसे जो मेजर प्रॉब्लम आती है खास करके जिन घरों में छोटे बच्चे हैं, डॉग बाइट कर रहा है उसमें. अब देखिए मैं अगर इससे ये दो चीज़ें हटा ली मैंने इससे डॉग से, तो ये मेरे हाथ के साथ शुरू हो जाएगा. गुड बॉय, ये मेरे हाथ के साथ में बाइट करना शुरू हो जाएगा. उसका रीज़न है इसको टीथिंग के लिए, टीथिंग की जो इसकी प्रॉब्लम हो रही है उसका सोल्यूशन चाहिए इसको. तो उसके लिए हमें मार्केट में अवेलेबल है च्यू स्टिक्स हैं मेरे हाथ में, आप ये दे सकते हैं. अगेन आप इसे टॉय दे सकते हैं, स्क्वीजी टॉयज आते हैं, ये प्लास्टिक में नहीं है, लेटेक्स मटेरियल है. जब भी आप डॉग के लिए कोई टॉय लें तो आप इस चीज़ का ख्याल रख के लें कि जो डॉग के टॉय है वो नॉन टॉक्सिक होना चाहिए. जैसे सम चाइनीज़ प्रोडक्ट्स आर देयर इन द मार्केट जो बहुत सस्ते टॉयज मिलते हैं, लेकिन उनका जो क्वालिटी है मटीरियल है वो बहुत हल्का होता है, उसके ऊपर लिखा होता है Not for under 3 years, जैसे हम ह्यूमन बेबीज के लिए लेते हैं, बिकॉज बच्चों ने मुंह में डालने हैं टॉयज, और अगर मुंह में डालेंगे वो टॉक्सिक होगा तो वो उनके लिए नुकसान करेगा. जब डॉग आपको बाइट करने की कोशिश करता है तो से एग्जांपल ये मेरे को, अगर ये मेरे को ये बाइट करने की कोशिश कर रहा है फिंगर करने की, ये मेरी फिंगर पर बाइट करने की कोशिश कर रहा है, ये देख सकते हैं आप बाइट कर रहा है, इसको सूदिंग मिल रही है. अभी ये स्टार्टिंग में बिल्कुल आहिस्ता से कर रहा है, लेकिन जब मैं इसे हटाऊंगा नहीं तो ये बढ़ जाएगी, और जब मैं हाथ, जब मुझे हाथ को, इसके जो टीथ हैं दे आर वेरी शार्प एक्चुअली, जब मैं हाथ को खींचने की कोशिश करूंगा तो मेरे हाथ पे स्क्रैच लगना लाजमी है, मेरे हाथ पे स्क्रैच डेफिनेटली आएगा. और वो स्क्रैच आने से हम लोग क्या बोलते हैं, यार डॉग ने बाइट करना शुरू कर दिया. एक्चुअली वो डॉग बाइट नहीं कर रहा है, ही डोंट हैव हैंड्स टू होल्ड यू, उसके पास में हाथ नहीं दिए हुए भगवान ने, उसके पास में मुंह है, उसने उसी के साथ में आपको पकड़ना है, उसी से प्यार करना है. अगर प्यार कर रहा है तो लिक कर लेगा, अगर दांतों में खुजली हो रही है तो थोड़ा थोड़ा बाइटिंग करने की कोशिश करेगा. अब ये जो डॉग है स्पेशली 40 डेज प्लस के डॉग्स में ये चीज़ ज़्यादा आती है, जब उनकी टीथिंग की प्रॉब्लम होती है, दांत बहुत तीखे होते हैं, ये टॉयज़ वगैरह देने से उनके जो दांतों की शार्पनेस है वो थोड़ी कम होना शुरू हो जाएगी, आपको एक तो थोड़ा सा इससे रिलैक्स मिलेगा. दूसरा, जब भी डॉग आपका बाइट करने की कोशिश करता है तो अगर इनकेस उसने आपके, जैसे मेरे हाथ को ये मुँह में डाल रहा है इस समय, और इसके मैंने फ्रंट लेग को पकड़ा और हल्का सा प्रेस किया तो ही लीव माई हैंड, ये छोड़ दिया उसने. आप देखिए मैंने फोर्स नहीं किया उसको, बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाया, हल्का सा प्रेस किया और उसने मेरे हाथ को छोड़ दिया. अभी इसने मेरा दूसरा हाथ पकड़ लिया, अब ये दूसरे हाथ को करने की कोशिश कर रहा है. अगेन वही चीज़ करनी है मुझे, जब भी ये बाइट करने की कोशिश करे हल्का सा फ्रंट लेग को पकड़ के प्रेस करेंगे और ये छोड़ देगा. अगर आपको लगता है कि ये इस चीज़ से बात नहीं बन रही, ये और ज़्यादा अग्रेसिव दिखा रहा है या अग्रेशन दिखा रहा है, या ये आपको बाइट करने की कोशिश करो, अरे बड़े सुंदर लड़के होते हैं बहुत फाइट करते हैं तो बहुत गुंदे हैं, तो आप इसके फेस को होल्ड कर सकते हैं लाइक दिस,
मेक श्योर इसकी टंग जो है वो इसके मुंह के जॉज के बीच में ना आए, इसके फेस को होल्ड करके 10 गिनेंगे, 1, 2, 3, नो 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 नो, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मैंने बिल्कुल भी फोर्स नहीं किया, आप मेरे क्लोजअप लीजिए प्लीज, क्लोजअप देखिए इसको, मैंने बिल्कुल हल्का सा हाथ रखा हुआ उसको, जस्ट एक इशारा सा दिया हुआ कि मैंने तेरे फेस को पकड़ा हुआ है। हम इसे पनिश नहीं कर रहे हैं बेसिकली, हम इसे बिल्कुल हल्का सा, वो जैसे बच्चों को मैनर सिखाने के लिए करते हैं, इट इज़ लाइक दैट, हल्का से फेस को पकड़ेंगे तो वो बाइटिंग करना छोड़ देगा। ओ अच्छा मिला बेटा, इधर आओ, गुड बॉय, अब करो, अब नहीं करनी है, अब ये नहीं करेगा आपके सामने, ये बिल्कुल भी नहीं करेगा, ये स्निफ कर रहा है। इसके अलावा जो मैं चीज़ें आपको दिखाता हूँ, जो चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे ये स्नैक्स हैं, ईटेबल स्नैक्स हैं, आप ये दे सकते हैं, अगेन लेटेक्स में बोन है, टॉय है, ईटेबल नहीं है, ये दे सकते हैं, स्नैक्स हैं बहुत सारे तरह के, इनको साउंड पसंद है, स्क्वीजी टॉयज ले सकते हैं आप, जैसे ये डक की आवाज़ है, आप इस तरह से भी कोई टॉय ले सकते हैं, इस तरह की बोन्स आती हैं, एज वाइज लीजिए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो छोटे बच्चे के लिए भी रॉ हाइट बोन ले आते हैं, और जो रॉ हाइट बोन है वो डॉग्स की छोटे बच्चों के लिए नहीं बनी हुई, बहुत हार्ड होती है, ये उसे च्यू भी नहीं कर पाएंगे। जब भी आपका डॉग बाइट करने की कोशिश कीजिए, उसको सब्स्टिट्यूट दीजिए, उसको मारना सोल्यूशन नहीं है। जब आप चलेंगे तो डॉग पीछे चलेगा ही चलेगा आपके, वो अट्रैक्ट होगा, हर हिलती हुई चीज़ की ओर अट्रैक्ट होगा, कोई भी चीज़ उसको नहीं दिखेगी वो उसकी ओर अट्रैक्ट होगा। जैसे आजकल विंटर्स हैं, विंटर्स में हमने अक्सर हीटर्स या ब्लोअर्स लगाए होते हैं रूम्स में, मेक श्योर जो डॉग है उसकी रीच से इलेक्ट्रिसिटी वायर जो है ऊपर रहे, क्योंकि अगर वो वायर नीचे है, डॉग की रीच में है, वो उसे बाइट करने की कोशिश करेगा, दैट कैन लीड टू एक्सीडेंट, उसे करंट लग सकता है, डॉग की डेथ भी हो सकती है। उस चीज़ को हमें अवॉइड करना है, हमें उसे टॉय प्रोवाइड करने हैं, हमें उसे ईटेबल स्नैक्स प्रोवाइड करने हैं, और हमें कोशिश करनी है वो जब भी ये चीज़, जब आप इसे स्टार्टिंग में देंगे ऑफर करेंगे तो ही विल नॉट हैव इट, लेकिन उसका टेस्ट डेवलप करवाना है हमने। अब जैसे ये जो बोन है, ये जो च्यू स्टिक दी है मैंने, ये इसे थोड़ा थोड़ा पसंद करने लग गया, आप देखिए ये इसे थोड़ा थोड़ा पसंद करने लग गया, लेकिन वो एज वाइज चलेगा। अगर आप छोटा बेबी या बहुत मोटी सी कोई स्नैक्स की स्टिक देने की कोशिश करेंगे, या आप बहुत हैवी सा टॉय देंगे, वो उसके साथ इंजॉय नहीं करेगा, परेशान होगा। लेकिन जब जब भी आपका आप मूव करने की कोशिश करते हैं, वॉक करने की कोशिश करते हैं, इस चीज़ को हमेशा याद रखना है आपने, अगर डॉग पीछे भाग के आया तो रुक जाइए, रुक जाइए, उसे नो की कमांड दीजिए, नो गुड बॉय, बात मानते हैं। अगर वो आपके पैंट को, पैजामा को, बेसिकली लोअर पार्ट ऑफ दी हमारा जो बॉटम हमने जो भी डाला होगा उसी को वो ज़्यादातर पकड़ने की कोशिश करते हैं, शूज़ को, लेसिस को पकड़ने की कोशिश करते हैं। अगर हम झटका देंगे तो वो जो भी कपड़ा उसके दांत में फंसा होगा वो भी फट जाएगा, और उसके दांत पे भी चोट लग सकती है, उसका दांत टूट भी सकता है, दैट कैन लीड टू अगेन ब्लीड होगा, उसको दर्द भी होगी, वो चीज़ मत करिए, रुक जाइए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, इस चीज़ को समझिए। हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, वो कितना टाइम लेते हैं सीखने में, ऐसे ही जब हमने डॉग के बेबी को सिखाना है, ये भी थोड़ा सा टाइम लेंगे सीखने के लिए, बट वी डोंट हैव टू पनिश देम, उनको मारना सोल्यूशन नहीं है, उनको समझना सोल्यूशन है। अब जैसे ये इस ये रेड वाले टॉय के पीछे हो गया अभी, कि मुझे अब ये इसके साथ में खेलना है, ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, जैसे ये देखिए आप, छोटा है, इसमें बड़े टॉयज भी आते हैं, बड़ी बोन्स भी आती हैं, बट वो सोल्यूशन नहीं है। एज वाइज दीजिए टॉय, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको समझना, उस चीज़ की कोशिश करना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डॉग को कल्पित ठहराना कि डॉग ने हमें बाइट कर लिया, वो सोल्यूशन नहीं है। जब भी डॉग आपके हाथ को या पाँव को पकड़ता है, इस तरह से वो ग्रिप करता है दांत को, जब हम छुड़वाने की कोशिश करेंगे तो स्क्रैच आएगा ही आएगा, और हम लोग डेफिनेटली ये बोलेंगे कि डॉग ने बाइट कर लिया, बट वो स्क्रैच जो है वो नॉर्मल चीज़ है दांत से लगना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपका डॉग छोटा है, इफ़ ही इज़ लेस देन 3 मंथ्स, और आपने कहीं भी अच्छे ब्रीडर से लिया है, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि उसकी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वैक्सीनेशन हुई होगी, जिसका असर 90 डेज तक रहता है वैक्सीनेशन का बच्चों में, उसमें रेबीज़ के कोई भी साइन नहीं रहेंगे, राइट। अदरवाइज भी बच्चों में रेबीज़ आना कोई बहुत कॉमन चीज़ नहीं है, बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होगा, अगर कभी किसी में आई होगी, नहीं आती है जल्दी। और आप अपने डॉग का अगर कभी स्क्रैच लगता है तो आपको उसे, आप अपने हाथ को साबुन से धो लीजिए, उसके बाद में सेवलॉन या डिटॉल से अपने हाथ को क्लीन कर लीजिए। अगर हल्का सा डीप लग रहा है तो आप टेटनस का इंजेक्शन लगवा सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहती, इफ़ योर डॉग इज़ लेस देन 90 डेज़। अगर आपका डॉग बड़ा है, उसने उसे बाइट किया है,
तो आपको प्रिकॉशन लेने की जरूरत रहती है. बट उसमें भी अगर आपने डॉग की वैक्सीनेशन करवाई है, जैसे मैंने वैक्सीनेशन के लिए शेड्यूल ऑलरेडी बना रखा है, फर्स्ट जो है 45 डेज पे, सेकंड 65 पे, थर्ड 85 पे. जो 85 डेज पे जाएगी वो एंटी रेबीज जाएगी साथ पे. तो जो एंटी रेबीज हमने लगा दिया उसका असर आने में 14 डेज लगते हैं. इट इज़ नॉट लाइक दैट कि आपने इलेक्ट्रिसिटी बल्ब ऑन किया, लाइट स्विच ऑन करेंगे और बल्ब ऑन हो जाएगा. इसका जो असर है एंटी रेबीज का, उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज एक्टिवेट होने में टाइम लगता है. 14 डेज लग जाते हैं, 2 वीक्स लग जाते हैं. तो इस चीज़ सब चीज़ों को संभल के चलिए. डॉग बहुत अच्छे कंपेनियन होते हैं और ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि अपने ऑनर को काटते हैं या कुछ. वो हमारा गलत तरीके से रखने से काटते हैं. छोटे बच्चे को क्या पता, दे डोंट हैव एनी नेचर. हम बोलेंगे हमारा बच्चा छोटे से ही बहुत अग्रेसिव है, उसको कैसे रखा गया बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. और दिस इज द वे टू कीप डॉग. और अवॉइड करना पपी बाइटिंग को, मैंने आपको बताया. आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा. अगर इससे ज़्यादा कुछ ब्रीफ चाहते हैं तो प्लीज़ यू कैन कॉल मी पर्सनली, आप मेरे से बात कर सकते हैं. मेरा हेल्पलाइन नंबर है 9878474748. और आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ओके शोना बेबी. जिन मेरे दोस्तों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट आपको अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहें. गॉड ब्लेस यू. साईं दया करें हम सब पे, आप सब पे. गॉड ब्लेस. थैंक यू.